Hello, World AIDS Day. Okay, plus one of those holidays in. Okay, Indigenous Faith Day. The 1st December. How okay, Jano? How non? Arrangement of Ella. Okay, he got the specifically one. Extra man who da live, man who aga the. Majib, man who karun man. Ita life, new life guy. Ita recovery group ayi. Munna eta society ideal eta example ko khatam du ko am lango khadu abra ka bala sin mun gai ba ajna ko murad lako ni ba yakla fam na mugna na nono lo hin apply do don polo no ay apply do am lango hilo mun na hilo pele ko jira ok mun ok to ali ba problem kama to la kama to la la nun mission am chakse do itla kam la nun lango wish jira ok hok laga ba ngega anya ma izga ye mothers visa mothers visa am nam hila kelo ko ngal past time ba mlb do kenal ala kato ok ngo hin anya sel polio ok jitte be ai em en mothers visa ni ge andi na eta missionary jil go gatla apna apko tak na go mujin ni ba abra akna kena am lahil aji go imodo motan am tan ba correction in na no lo ka अल नाम अगमा डॉन पोलो गाइना हक कुल पर हम ला नगो से नून ने कादू देखो एडवांटेज लेते हुए यहां से हम लोग आलो तो कंबा वकटन हम लोग ऑर्गेनाइज किया है हम लोग वॉक करने जा रहा है 25 किलोमीटर तो श्योर पहुंचना है बीच में इधर उधर नहीं होना है बल्कि इंश्योर करने के लिए हम लोग के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है और मोटिवेट कर रहा है वो भी साथ में भी खुद भी जा रहा है वो एनकरेज कर रहा है श्री तुम में हम आईपीएस कमांडेंट सेकेंड एपीबीएन आलो आज का हम लोग का ये एक्चुअल जो मोटिव है ये हम लोग का जो वकटन का जो मोटिव है इसमें हम लोग का आपका तीन थीम है फर्स्ट है लाइफ विदाउट ड्रग्स एंड एल्कोहल सेकेंड है प्रिवेंट एचआईवी एड्स और थर्ड है आपका सेफ ड्राइव सेफ लाइफ ये जो आज का होल ये एड्स डे है इस चीज़ का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये है आपका इसका प्राइम जो ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग आपका जो एचआईवी एड्स होता है आपका जो आप एचआईवी पॉजिटिव होता है उसका हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है उसका हम लोग अनकंडीशनल लव देना है सपोर्ट देना है ताकि वो लोग अंडरग्राउंड ना चला जाए और उनको हम लोग पहचानने से हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं हम लोग डिक्टेट करने से हम लोग अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं और हम लोग ये आपको प्रिकॉशन मेजर भी ले सकता है तो यही चलने के लिए हम लोग इसको एड्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है इसका आपका एडवोकेसी करने के लिए हम लोग यहाँ से वाकथन चल रहा है तो ये जो डे का इवेंट का हम लोग एडवांटेज लेते हुए आपको जो एक ड्रग प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द आपका स्प्रेडिंग ऑफ एड्स है क्योंकि इससे आपका नीडल शेयर होता है आपका ब्लड ट्रांसमिशन से आपका एड्स फैलता है तो यही कारण से हम लोग यहाँ में आपको एंट्री ड्रग्स कैंपेन का रूप में भी हम लोग यहाँ से आलो तो कंबा चल रहा है और फाइनली हम लोग यहाँ में जो आज का इस डे का हम लोग एडवांटेज लेते हुए हम लोग और एक चीज़ को हम लोग एडवोकेसी कर रहा है हम और एक चीज़ को हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है वो आपका सेफ ड्राइव एंड सेफ लाइफ यहाँ से लेके कांबा तक का 25 किलोमीटर को पर्टिकुलरली हम लोग इस लेंथ को इस स्टेज को हम लोग इसलिए चुना है कि ये जो आपका रूट है ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपका एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ऑल द टाइम एवरी ईयर हम लोग आपका वेटिंग नाइट आपका न्यू ईयर का समय में हम लोग कुछ ना कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट सुनते रहता है तो वो चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये वॉकआउट हम लोग इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है एंटायर आपका सोसाइटी का कॉमन पब्लिक का कन्फ्यूजन होता है कि चलने से आपका वॉकिंग से इसका क्या रिलेटेड है ये एक्चुअल बोलने से ये जो वॉक है ये आपका एक अलर्ट मैसेज है ये आपका कॉन्शियस को अलर्ट करने के लिए कर रहा है क्योंकि आपका जीना और मरना मल्टी सेकेंड का चीज़ में मैटर करता है जब आप जी रहा होता है तो उस मल्टी सेकेंड का वैल्यू को पता नहीं चल जाता है लेकिन जब आप मरता है तो आप और अपना चीज़ खो देता है तो यही कारण से हम लोग इस कॉन्शियस को इसको अलर्ट करने के लिए हम लोग तीन थीम लेके चल रहा है लाइफ विदाउट ड्रग्स एंड एल्कोहल प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ एचआईवी सेफ ड्राइव सेफ लाइफ थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल ऑन न्यूज़ टुडे अभी जैसा हमारा केनेडी वागड़ा हमारा रिकवरी क्लब टीम का लीडर है और प्लस हमारे जो यहाँ पे रिहैब सेंटर है वहाँ का एमडी है एंड ऑल मदर्स विजन के मेंबर्स चेयरमैन सेक्रेटरी और गुमिन होइन सोसाइटी के मेंबर्स और मेरे साथ हमारा बटलाइन आलो जो सेकेंड बीएन है उसके मेंबर्स भी है और हमारा बटलाइन क्लब बटलाइन में एक बैडमिंटन क्लब है वहाँ का भी मेंबर्स है जो अभी आज इस प्रोग्राम को साथ देने आए हैं आज हम लोग आलो से कांबा तक 24 किलोमीटर हम वॉकिंग करेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड्स एड्स डे ये हेल्थ
बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ हेल्थ की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट हेल्थ है। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में है, जैसे कि करियर है, वो भी नेक्स्ट ओनली टू हेल्थ। पेरेंट्स है, नेक्स्ट ओनली टू हेल्थ। चिल्ड्रेन है, नेक्स्ट ओनली टू हेल्थ। वाइफ या हस्बैंड है, नेक्स्ट ओनली टू हेल्थ। क्योंकि आपके हेल्थ के बिना आप अपने पेरेंट्स को या अपना वाइफ को या अपना हस्बैंड को या अपना चिल्ड्रेन को आप सेवा नहीं कर सकते, और खुद का भी आप करियर को आप अच्छा से जो आप ड्यूटी नहीं कर सकेंगे जब तक आपका हेल्थ ठीक नहीं है। तो आपका हेल्थ अच्छा रहने के लिए आप ड्रग्स अवॉइड करना पड़ेगा, और एचआईवी एड्स से आप बच के रहना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी जैसे पार्टी सीजन है, जैसे हमारा केनेडी वागड़ा साहब ने बोला, आज ये अभी विंटर सीजन में पार्टी सीजन चलता है, और कोरोना का वजह से बहुत लोग लॉकडाउन में बैठे हुए थे, थोड़ा सा अभी खुल गया तो सब उछल रहे हैं। तो इसलिए सभी को सावधानी बरतने के लिए हम ये आज मैसेज दे रहे हैं। इसलिए हम इस रास्ते पे, यहाँ से हाईवे है आलो तो खम्बा, वहाँ पे हम आज वॉकेटन रखा है 24 किलोमीटर का, विद द मैसेज लाइफ विदाउट ड्रग्स एंड अल्कोहल, क्योंकि ये सब रिलेटेड है। आप अल्कोहल लेते हैं तो ड्रग्स भी आपका मतलब साथ में आजकल लेने का बहुत चांस रहते हैं। और जो ड्रग्स लेते हैं, जो स्पेशली जो आप ड्रग्स में भी आपका प्रोग्रेशन होता है, ये एक आपका प्रोसेस होता है। आप शुरू शुरू में छोटा मोटा आप बांग लेते हैं, फिर ओपियम लेते हैं, उसके बाद आप आगे जाके आप ब्राउन शुगर हेरोइन लेते हैं, उसके बाद आप कभी कभी फिर नीडल्स में भी चले जाते हैं। तो इसलिए आप जो है नीडल्स यूज़ करने वाला आप बिकॉज ऑफ नीडल्स आप एड्स एचआईवी एड्स ये सब फैलाने का बहुत चांस रहता है। तो इसलिए ये सब का मैसेज के लिए हम लोग आज सबको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम आज एक वॉकेटन रखा है। तो अपना बच्चों को सब केयर कीजिए। मैं स्पेशली पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल देता हूँ। मैं जहाँ भी रहा हूँ, ड्रग्स इतना डेंजर हो गया अरुणाचल में कि इसका वजह हमको लगा कि पेरेंट्स लोग द्वारा बच्चे को केयर नहीं करते हैं। बहुत पेरेंट्स लोग ताश खेलने में बिजी रहते हैं, हाउसी में बिजी रहते हैं, डाइस में बिजी रहते हैं, स्पेशली कैपिटल रीजन में मैंने देखा। तो हमने ये सब को भी काफ़ी बंद करने का कोशिश किया, हाउसी डाइस और गैम्बलिंग। तो इसमें बिजी रहने के पीछे बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनका पढ़ाई लिखाई भी कैसे प्रोग्रेस हो रहा उनका भी कोई गाइड नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी कोई बच्चे भटक जाते हैं। तो हमारा पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि घर में बैठे और अपना बच्चों को केयर करें। आज मदर विजन की ओर से जो एक वॉक ऑफ लाइफ आलो टू कम्बा एक प्रोग्राम रखा है और मुझे भी एक मौका दिया है, ये एक बहुत अच्छा बात है। और मेरा एक मैसेज है कि यहाँ का जो इस मैसेज को आप सब जो आज इसमें पार्टिसिपेट जो भी ले रहा है, ये एक मैसेज होना चाहिए कि हमारा जो आलोंग में ड्रग्स फ्री हो। और जो एक मैसेज जाना चाहिए कि ड्रग्स से हमारा आम जनता, आम आदमी जो है यहाँ का जिन निवासी सब बसे, क्योंकि ये ड्रग्स हमारे लिए बिल्कुल हानिकारक है। ड्रग्स हमारे लिए बिल्कुल शरीर के लिए, जो सोसाइटी के लिए, सब के लिए ये अच्छा नहीं है। और तो मेरा एक मैसेज रहेगा, काइंडली जो भी हो आज जो आप अपना जो प्रोग्राम रखा है उस मैसेज को सक्सेसफुली आप पहुँचाइए, जो भी आपका आस पास है जो उसको जहाँ में आप जाए वो मैसेज को पहुँचाइए कि ड्रग्स नो टू ड्रग्स, वो इंफॉर्मेशन पहुँचाए। और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं और आप सबको यहाँ का जो अलोंग वासी को एक मैसेज है कि ड्रग्स से हम बचना है। और जो भी आपका पास कोई जहाँ में ड्रग्स पेडलर से कोई इश्यूज है, काइंडली हमारा इधर भी नॉलेज में लाइए। हम लोग कोशिश करेगा कि ड्रग्स मैनेज को टैकल करने के लिए, जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपका तरफ से कोई कवर नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कोई पता नहीं चलेगा। इसके लिए मेरा एक अपील रहेगा, यहाँ का जो ड्रग्स यूजर्स है उसको आप बचिए। ड्रग्स यूजर्स को मेरा एक अपील है, उसको छोड़ देना है, हमारे लिए हानिकारक है। और यहाँ का जो पब्लिक है आप सबसे भी मेरा एक अपील है कि कोई यहाँ में कोई ऐसा ड्रग्स पेडलर्स है, कोई उधर इन्वॉल्वमेंट कोई ऐसा आदमी मिलेगा या कोई दुकान घूमती घूमती में कोई ऐसा कुछ बेचने वाला मिलेगा, कहीं भी कोना में बेचने वाला मिलेगा, काइंडली
एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज मिल रही है, पुलिस का नॉलेज मिल रही है, वो हम लोग कोशिश करेगा कि उस मैनेज को यहाँ हमारे सोसाइटी से रिमूव करने के लिए। विद दिस आई कंक्लूड, थैंक यू। आलो वासियों को नमस्ते। गुनु हम लोग मर्डर विजन्स है, आज ये मेरा मालूम है मर्डर विजन हम लोग ग्रुप है। तो हम लोग यहाँ पे 8 साल से मर्डर विजन काम कर रहे हैं। हम लोग कल हमारा 8 ईयर्स कंप्लीट हो गया, 29 नवंबर को। आज हम लोग का 8 ईयर्स वन डे चल रहा है। तो इसका अंदर में हम लोग ने बहुत सारा काम किया। हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग किया, वो ट्रीटमेंट किया, आफ्टर केयर किया। तो हम लोग हर जहाँ से ये अवेयरनेस कैंपिंग क्रिएट करते हैं, माँ बाप को कैसे करना है, क्या करना है वो। उसके बाद हम लोग रिहैब सेंटर है, उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें उससे ट्रीट करके निकलने का बाद हम लोग आफ्टर केयर करते हैं। ये मेरा बच्चा लोग है, हम लोग का बच्चा है, वो जो आफ्टर केयर करके अभी सही ट्रैक पे आ रहा है। तो हम लोग तो यहाँ पे हम लोग हर चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली थ्योरिकली दोनों में जाता है। आज ये हम लोग का ये हर जहाँ मौका मिलता है हम लोग सबको अवेयरनेस कैंपिंग क्रिएट करने का कोशिश करता है। आज ये हम लोग का एक अवेयरनेस कैंपिंग है, जैसे है जो एड्स का बारे में और ये सेफ्टी का बारे में, आपको ये लाइफ विदाउट ड्रग एंड एल्कोहल प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ HIV एड्स एंड सेव एंड लाइफ सेव लाइफ। तो ये यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत हम लोग आने से पहले बहुत सारा ऐसा हुआ था, एक्सीडेंट केस हुआ था, जितना लूट मात का केस हुआ था। तो हम लोग शुरू में हर ओकेजन में ड्राई डे डिक्लेयर करने का कोशिश किया DC सर को अप्रोच करके। तो ड्राई डे डिक्लेयर करने का बाद बहुत सारा वो हो गया, आपका एक्सीडेंट कम हो गया। और जो ड्रग अवेयरनेस कैंपिंग शुरू होने का बाद जो दुकान से आदमी लोग छिनाछिनी करके लूटपाट होता था वो बहुत सारा कम हो गया यहाँ पे। तो बाद में देखा अवेयरनेस हम लोग ड्राई डे डिक्लेयर करते करते बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आने लगा पब्लिक से कि ये हम लोग लाइसेंस लेते हैं, 1-2 दिन बंद होने से ये सब, ये कंप्लेंट को सुन के फिर हम लोग ड्राई डे को छोड़ दिया। और ड्राई डे का सेवा जो कुछ हम कर सकते हैं वो करने का कोशिश में ये आज का ये हम लोग का एक कोशिश है। और ये कोशिश करने में हम लोग का आमो सर कमांडेंट BN जब से ये सर हम लोग का एलोंग में ट्रांसफर होके आया है, हम लोग को इतना मॉरल सपोर्ट दिया है हर एक्टिविटीज़ को। इनका आइडिया, इनका सजेशन, इनका थ्रू से हम लोग का एक्टिविटीज़ होता है। इसलिए सर को बहुत थैंक यू, आपने आके हम लोग को बहुत मॉरल बूस्ट दिया और आप ये सब आइडिया भी, क्योंकि हम लोग का पास इतना आइडिया नहीं होता है। काम तो निकला लेकिन हमको ऐसा वाला सही है जो हमें आइडिया दे जैसे सार ने दिया। और हर पब्लिक से मेरा ये अप्रोच है आप लोग भी आगे आइए। और एड्स HIV के लिए हम लोग यहाँ पे एक हम लोग मर्डर विजन एक तो रिहेब चलाते, एक TI प्रोजेक्ट टारगेटेड इंटरवेंशन बोल के गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, उस पर हम लोग एड्स के लिए हम लोग वो करते हैं, टेस्ट करते ब्लड टेस्ट वगैरह जितना सेक्स रिलेटेड और ये सब, इसको हम लोग टेस्ट करता है और ट्रीटमेंट भी करता है। इसलिए हर एक से मेरा रिक्वेस्ट है, ये एक बीमार है तो एक बीमार को ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा और बिना टेस्ट का आपको पता ही नहीं चलेगा आप बीमार है ना क्या है। तो आप लोग जो भी आदमी आइए मेरा ऑफिस में, मेरा ऑफिस मेडिकल का सामने मर्डर विजन ऑफिस लिखा हुआ है बोर्ड, उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करके हम लोग का जितना हम लोग ये ड्रग में काम करने वाला, ये TI प्रोजेक्ट में काम करने वाला, हम टेस्ट हर चीज़ करते हैं लेकिन उसको हम लोग छिपा के रखते हैं, किसी को लीक आउट नहीं करता है। आप लोग मत डरिए और आइए, क्योंकि आप अगर खुद को टेस्ट नहीं कर, आपको मालूम नहीं होगा कि आप HIV है ना, क्या टाइपॉइड है ना, आपका पास क्या बीमार है, तो वो उससे अनोइंगली बिना जाने ये चीज़ स्प्रेड हो जाता है। तो हमारा मेन टारगेट होगा कि ये स्प्रेड को रुकना। इसको रुकने के लिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट, आप फॉरवर्ड होके आइए, अपना को टेस्ट कराइए, निगेटिव होता है तो ठीक है, आगे आप लोग ट्रीटमेंट, यही हम लोग का मर्डर विजन का ये मोटिव है।